गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज मैं आपको अर्न 24 आवर्स में ले चलता हूँ। अर्न 24 आवर मैं आपको दिखाऊंगा ये वर्क कैसे करता है। पहले मैं आपको लॉग आउट करता हूँ। ये हमारा वेबसाइट लोड हो रहा है, अर्न 24 आवर्स। ये हमारा वेबसाइट है, यहाँ पे जाइए, लॉगिन बटन में क्लिक कीजिए। ये हमारा लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम लॉगिन आईडी डालेंगे, जो ये है, पासवर्ड डालेंगे, और हमारा आईडी ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी आईडी के नीचे तीन डायरेक्ट जोड़े हुए हैं, लेफ्ट साइड में 5000, राइट 5000। अभी एक आईडी ग्रीन नहीं हुई है, ग्रीन होते ही लेफ्ट पैड में 10,000 शो करेगा, राइट साइड में 5,000 शो करेगा। टोटल इनकम 680 मेरी एक दिन की इनकम है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ जॉइनिंग 3 दिसंबर 2008, डेट ऑफ टॉपअप 3 दिसंबर 2018। तो टोटल इनकम 680 कहाँ से आई देखना चाहते हैं हम जाएंगे अकाउंट में, ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट देखेंगे हम। मिश्र 500 मैचिंग इनकम, 500 पेड, जो मैंने फर्स्ट मैचिंग बनाई थी अपनी, अपने मैंने तीन आईडी ली, फर्स्ट आईडी मेरी अपनी, उसके बाद दो आईडी और ली, तो उसकी 500 मेरे को मैचिंग इनकम मिल गई। जैसा कि ये ऐप 5000 रुपीज़ पे पर आवर 5 रुपीज़ देता है, तो ये 12 घंटे के ऊपर पे आउट करता है, तो 12 घंटे का कितना हुआ 60 रुपीज़, और नेक्स्ट कैश इनकम 60 रुपीज़, तो 60 60 60। जैसे कल मैंने 5 बजे के बाद आईडी बनाई थी, इसलिए मेरे को 60 60 60, टोटल अमाउंट 680 रुपये। तो मैंने कितना किया, विड्रॉल किया, 680 को विड्रॉल में डाल दिया, और ये पेड हो चुका है मेरे अकाउंट में। विड्रॉल ये 4 तारीख को ही मेरे आया, और मैंने 4 तारीख को ही अपने पैसे निकाल लिए। अब जाते हैं, देखते हैं दोबारा विड्रॉल कैसे करते हैं। विड्रॉल के लिए विड्रॉल में जाना पड़ता है। यहाँ पे अभी वैलेट में 0 बैलेंस है, क्यों, क्योंकि मैंने विड्रॉल कर लिए हैं। मिनिमम विड्रॉल 500 रुपीज़। अब जाते हैं अकाउंट सेक्शन में, दोबारा से मैचिंग इनकम देखेंगे। इसमें हम सारे देख सकते हैं, 500 रुपीज़ जो आपको मैंने ऊपर दिखाया था। टीम दिखाते हैं हम आपको, टीम में माई ट्री में देखिए, ऊपर 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 मेरा ही है, लेफ्ट साइड में ये आईडी भी अभी ग्रीन हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, अभी देखिए ऊपर लेफ्ट पैड में 10,000 रुपीज़ हो चुका है, और राइट पैड में 5,000, यानी लेफ्ट साइड में मेरी 2 आईडी है एक्स्ट्रा जो डायरेक्ट मैंने लगाई थी, और राइट पैड में 1 आईडी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हम इसमें नए यूजर्स को कैसे जोड़ते हैं। रजिस्टर नाउ बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे अपनी आईडी डालें, रजिस्टर हेयर, जिस जो आप अपने आप को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। जैसे ही आप आईडी डालेंगे, जिसकी भी आईडी डालेंगे, जिसकी आईडी से आप रिस्पॉन्स करना चाहते हैं, तो वहाँ पर उसका नाम शो कर देगा। अगर आप किसी और की आईडी डालना चाहते हैं तो वो भी शो करेगा। जैसे मेरे पास 2 आईडी है, तो मैं अगर 8 वाली भी डालता हूँ तो मेरा ही नाम आएगा। जिसकी भी आईडी आप ऊपर डालेंगे, रजिस्टर हेयर, आप जिसको रेफर करना चाहते हैं, आप अपने आप को रेफर करना चाहते हैं, आप अपनी आईडी डालिए। उसके बाद आप जिसका आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उसका नाम, उसकी यूज़र आईडी, नई यूज़र आईडी, पोजिशन लेफ्ट या राइट, आप डिपेंड कर सकते हैं आपको अपने लेफ्ट डालना है या राइट डालना है, उसका ईमेल आईडी, उसकी कंट्री, मोबाइल नंबर और उसका पासवर्ड, और फिर साइन अप पे बटन पे क्लिक करना है। साइन अप करते ही उसका आईडी क्रिएट हो जाएगी, जो रेड कलर में होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं फिर से बैक। यहां पे चेंज ट्रांजेक्शन पासवर्ड, अपना आप पासवर्ड बदल सकते हैं।
पहले आपको पुराना पासवर्ड देना होगा जो आपने क्रिएट किया था, क्योंकि यूज़ लॉगिन पासवर्ड एंड ट्रांजैक्शन पासवर्ड दोनों सेम होते हैं। तो इसलिए आप अपना, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना करंट पासवर्ड ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज कर लें। चेंज पासवर्ड, आप अपना नॉर्मल पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। माई पैकेज, आपका कौन सा पैकेज है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये था इसके बारे में नॉर्मल जानकारी कि आप कैसे आप अपना अपडेट कर सकते हैं। प्रोफाइल में जाकर, माई प्रोफाइल में आप अपना कंप्लीट एड्रेस डिटेल अपडेट कर लें। फिर प्रोफाइल में जाके केवाईसी अपडेट में अपना नाम, अकाउंट नंबर, बैंक और कैंसिल चेक से आप अपने आप को केवाईसी अपडेट कर लें। पैकेज अपडेट, पैन कार्ड आप अपडेट कर लें अपना, उसके बाद सबमिट कर दें पैन कार्ड अपडेट करके। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे डैशबोर्ड में। अगर आप देखिए,